आहार निद्रा भय मैथुन ये श्रेष्ठ कार्य है क्या? बताइए। अब कोई बताइए हमें, सोने की थाली में खा रहा है अथवा एक व्यक्ति पत्तल में खा रहा है, दोनों के प्लेट में राइस और दाल ही है, राइस दाल सब्जी है। अब बताइए, जो व्यक्ति सोने की थाली में खा रहा है और जो व्यक्ति पत्ते की पत्तल में खा रहा है, क्या दोनों को समान टेस्ट मिलेगा अथवा दोनों को अलग अलग टेस्ट मिलेगा? आप बताइए हमें। दोनों व्यक्ति को समान सुख मिलेगा। कोई व्यक्ति डनलॉप के गद्दे पे सो रहा है और कोई व्यक्ति ऐसे ही नीचे सो रहा है, दोनों को निद्रा उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्यारी है। इस डनलॉप के गद्दे वाले को प्रिय है निद्रा, उतना ही उस नीचे सोने वाले को प्रिय है। कोई व्यक्ति अच्छे खाना खा रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा खाना नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी उसे वही मतलब वो रस मिल रहा है। अलग अलग जीव की भी बात करें ना, तो वो भी यही है। देखिए, जब इंद्र को श्राप मिला और उसे सुगर बनना पड़ा और जब नारद जी उसे लेने के लिए आए, तो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, मैं ये जो मल खा रहा हूँ, ये मल खा के मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत ही मतलब संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। सोचिए, इंद्र जो सुअर के शरीर में है अभी, वो इस शरीर को त्यागना नहीं चाहता। कहां जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग का राजा बनाएंगे उसे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी है, ये मेरी बीबी है, मैं इसके साथ ही रहूंगा, मुझे वहां नहीं जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जो कि श्रेष्ठ करने है, उसको पॉलिश करने के लिए। यार निद्रा भाई मित्र, ये तो कहीं पे भी हो जाएगा, उसको पॉलिश कर रहे हैं, सुंदर सा रहे, सुंदर अच्छे प्लेट में खाए, मार्बल के घर में रहे, पॉलिश कर रहे हैं। तो इंद्र तृप्ति करना ये श्रेष्ठ कर नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे फिर वही दुख वाला देह प्राप्त होगा, है ना? क्या होगा फिर उससे? क्या होगा? वही दुख प्राप्त होगा। तो श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है बताइए? श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है इस दुनिया में? श्रेष्ठ कार्य हो सकता है, प्रतीर्ण आवनमयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। क्या हो सकता है? वसुदेव के, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास बनना, ये जीवन की सबसे श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ कर कार्य है। ये इंद्र तृप्ति में लगे रहना, ये श्रेष्ठ कर नहीं।